मंत्री मोहसिन रजा ने दी बड़ी जानकारी। सऊदी अरब ने विदेश से आने वालों के लिए इस वर्ष हज यात्रा करने की इजाज़त नहीं दी है। भारत से हज पर जाने वाले मुस्लिम इस वर्ष नहीं कर पाएंगे हज यात्रा। सभी श्रद्धालुओं व जायरीनों का पूरा पैसा जो कि उन्होंने हज कमेटी में पंजीकरण कर जमा कराया उसे बिना किसी कटौती के उनके बैंक अकाउंट में किया जाएगा वापस। घर में रहें, सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, राजनारायण सिंह, हर खबर सबसे पहले। सऊदी अरब सरकार ने पूरी तरीके से अपने यहाँ इस बार बाहर से आने वाले आजमीन पर रोक लगा दी है और ये भी कहा है कि जो हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी या और भी दूसरे मुल्कों से वहां पर रहने वाले, काम करने वाले, लॉकडाउन में रुके हुए तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं, अगर वो हज करना चाहेंगे तो उनके लिए वो व्यवस्था करेंगे। हज के दौरान उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हज कराएंगे, लेकिन बाहर से विदेशों से जाने वाले लोगों के लिए इस बार हज नहीं होगा। ये बात बिल्कुल साफ कर दी है सऊदी अरब सरकार ने। और साथ ही भारत सरकार ने भी कहा है कि जो लोग, जो आजमीन नहीं जा पा रहे हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था, अगर वो अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं तो वो अपने फॉर्म भर के राज्य सरकारों को दे दें, राज्य सरकार की हज कमेटीज को। मैं भी अपने उत्तर प्रदेश के तमाम जो आजमीन थे जिन्होंने फॉर्म भरे थे उनसे कहना चाहता हूं कि आप अपने फॉर्म भरकर हमारे हज कमेटी के दफ्तर में या जहां पर भी ऑनलाइन से आप जमा कर सकते हैं जमा कर दें, ताकि आपका पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित आपके अकाउंट में वापस दे दिया जाएगा। किसी तरह की आपके पैसे में कोई भी कटौती नहीं होगी, ये भारत सरकार ने व्यवस्था की है।